सो ये मैंने लिए हैं 7 बॉइल्ड पोटेटोज, और ये एक कटोरी बहुत ही छोटी सी चॉप की हुई कैरेट, फिर ये है पीस एक कटोरी, इसे भी हम बॉइल करेंगे, एंड ये मैंने ली है लगभग हाफ अ बिग बंडल ऑफ स्पिनच। इसके साथ स्पाइसेस बहुत सिंपल है, ये है सॉल्ट, ये है रेड चिली पाउडर, ये है हल्दी यानी कि टर्मरिक, और ये है जीरा पाउडर, एंड मैं लूंगी थोड़ी सी सीजनिंग। ये मेरी डोमिनोज की बची हुई है, आपके पास नॉर्मल पिज्जा पास्ता सीजनिंग हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड देन वी विल टेक सम ऑलिव ऑयल। ये मैंने बर्गर बंस लिए हुए हैं, इनके ऊपर तिल लगा हुआ है, ये वाले बर्गर बंस। देन चीज स्लाइसेस, मैदा, वेज मेयोनीज। मैंने फन फूड्स के लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आसपास आप वो ले सकते हैं, एंड ब्रेड क्रम्स। सो मैंने पोटेटोज को जो है उन्हें मैश कर लिया है, और ये देखिए मैंने दो बोल्स में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये पानी ऑलरेडी बॉईल हो रहा है, तो इसमें मैं कैरेट और पीस एक साथ डाल के बॉईल कर लूंगी। मीनवाइल हमारा ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें हम पालक को ब्लांच कर लेंगे। सो पानी बॉइलिंग हो गया है, अब मैं ये पालक के जो पत्ते हैं मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, इसे सिर्फ 15 या 20 सेकंड्स तक ही आपको बॉईल करना है। सो ये हमारी पालक जो है वो अच्छे से ब्लांच हो चुकी है, और मैं उसे एक छन्नी में निकाल रही हूँ। सो ये हमारी वेजिटेबल्स बॉईल हो चुकी है, और ये देखिए पालक को ब्लांच करने के बाद मैंने इस तरह से उसका पूरा पानी जो है वो निचोड़ दिया, क्योंकि हमें हमारे बैटर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। एंड ये भी पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम बैटर रेडी करते हैं। सबसे पहले ये इसमें डाल दूंगी मैं पूरा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट, ये आपके टेस्ट के हिसाब से, मैं इसमें लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो पेपर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी एंड जीरा पाउडर, और अब हम डालेंगे हमारी ऑरिगैनो सीजनिंग। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स, 3 स्पून्स, 2 से 3 चम्मच मैदा। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो ये देखिए ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से रेडी है। सो बहुत जरूरी है कि सब्जियों का पानी जो है वो आप अच्छी तरह से हटा दें, वरना ये जो स्टिफनेस आपको दिख रही है वो नहीं मिलेगी। फिर आपको मैदा ज्यादा डालना पड़ेगा, फिर ब्रेड क्रम ज्यादा डालने पड़ेंगे, एंड इट विल टर्न आउट टू बी वेरी रबरी, सो वो हमें नहीं चाहिए। अब आप अपने डिजायर्ड शेप की जो है टिक्कियां बना लें, ये आइडियली आप थोड़ी बड़ी बनाए ताकि बर्गर के अंदर अच्छे से आ जाए। सो अब मैं वो बना लूंगी, और ये मैंने लगभग हाफ कप पानी में 2 से 3 चम्मच मैदा जो है वो घोल के रख लिया है, और इसमें मैं एकदम थोड़ा सा नमक डालूंगी। हाँ जी, लेकिन 500 वाला नहीं मिला, 256। हाँ चलेगा, 500 वाला अवेलेबल ही नहीं कहीं पे। कोई बात नहीं, खोलो खोल, तुम खोलो। अरे ये क्या हो गया, ये तो मैं बना रही थी सरप्राइज, तो आपने बना दिया मेरा सरप्राइज। और मेरा आपसे कोई नहीं, अरे ये हो रहा है वो करूंगी, ये कौन की गलत बात है, अभी क्या करूं, तो अब तो मैं और ज्यादा खुशी से कुकिंग करूंगी, क्योंकि ये सरप्राइज तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने जो है बैटर बना लिया, अब हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। ये टिक्की आपको इसमें डिप करनी है, ज्यादा नहीं एकदम थोड़ी सी, और फिर आपको ब्रेड क्रम्स में कवर करना है कंप्लीटली, एकदम अच्छे से। और फिर इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये जो क्रिस्प कवर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मैदा में डिप करके अच्छे से जो है ब्रेड क्रम्स में भी डिप करें, वरना ये क्रिस्पी जो कवर है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड बीच बीच में ये ऑयल साइड में से आप टच करते रहिएगा, ताकि साइड्स भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। सो ये मैंने एकदम धीमी आंच पे जो है स्लोली कुक किया है। अब ये इतना हुआ है मैं निकाल लूंगी, क्योंकि मैं अब इसे ठंडा होने दूंगी, और फिर मैं इसे डबल फ्राई करूंगी टू गेट मोर क्रिस्प लेयर। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए जो है फ्रीजर में डाल दूंगी, ऊपर से एक टिश्यू से कवर करके। ये टिक्की मैंने फ्रीजर में डाली थी, ये अच्छी तरह से ठंडी सेट हो चुकी। डबल फ्राई करने का जो मेथड है, ये बेसिकली हम क्रिस्पनेस कवर की थोड़ा बढ़ाने के लिए ही करते हैं। आप अगर इसे अवॉइड करना चाहे आप कर सकते हैं, इफ यू ओके विद द सॉफ्टर टिक्की, इट्स टोटली योर चॉइस। सो अब असेंबलिंग द बर्गर, तो ये मैं बीच में से कट कर लूंगी।
आप चाहे तो इसे कोने से अटैच भी रख सकते हैं, जैसे वड़ा पाव में देते हैं, लेकिन मुझे पूरा कट करना ज्यादा अच्छा लगता है। एंड फिर आप थोड़ा सा बटर लगा के बर्गर्स को टोस्ट कर लेंगे। सो माई बर्गर बंस आर रेडी। सो ये मैं टिक्की, ये देखिए ये इतनी अच्छी तरीके से हर जगह से एकदम क्रिस्प हो गई है और टूट भी नहीं रही है, तो जब इसका बाइट लिया जाएगा तो ये बहुत ही अमेजिंग लगेगी। ये जो ऊपर के हिस्से के बंस हैं, इस पे हम लोग अच्छे से मेयोनीज लगा लेंगे और इस पे हम रखेंगे थोड़ी सी लेटिस, थोड़े स्लाइस्ड अनियन रखे हैं। ये अनियन को स्लाइस करके पानी में अच्छी तरह से धो जरूर दीजिएगा, हो सके तो 5-10 मिनट भिगो भी दीजिएगा, वरना अगर आपके अनियन बर्गर वाले अनियन तीखे हुए तो बर्गर का मजा नहीं आएगा। और अब इसके ऊपर हम ये रख देंगे। सिट, अब बर्गर इज रेडी। और अगर आप चीज डालना चाहते हैं तो अब सबसे ऊपर जो है आप चीज का एक स्लाइस रख देंगे। सो दिस इज आवर वेजी बर्गर विद चीज एंड दिस इज विदाउट चीज।